दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों अच्छा सोचो, अगर कोबरा और ब्लैक मांबा की लड़ाई हो जाए तो कौन जीतेगा ये जंग? चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं। दोस्तों सांप इस दुनिया का इकलौता ऐसा जीव है जिसका नाम सुनकर ही लोगों के पसीने छूटने लगते हैं, लेकिन जब बात सबसे खतरनाक सांपों की आती है तो एक तरफ किंग कोबरा है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा जहरीला सांप माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा जिसके अंदर किंग कोबरा से भी भयंकर जहर मौजूद है। ऐसे में क्या अगर इन दोनों खतरनाक सांपों को आपस में लड़वा दिया जाए तो कौन बाजी मार ले जाएगा, किसके हाथ जीत लगेगी और किसे निराशा लगेगी हाथ में? आज की इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चलेगा। बस मेरे यानी अपने दोस्त विशाल प्रजापति के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें, और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों किंग कोबरा दुनिया का सबसे लंबा और जहरीला सांप होता है जो इतना खतरनाक है कि अगर इसे मौका मिल जाए तो ये दूसरे जहरीले सांपों को भी अपना भोजन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। वहीं ब्लैक मांबा इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि अगर एक बार गुस्सा आ जाए तो अपने दुश्मन को काट काट कर उसकी सांसें निकाल देता है। एक तरफ ब्लैक मांबा का खतरनाक जहर, दूसरी तरफ इसका अपने शिकार पर किया जाने वाला लगातार वार किसी को भी इसके चंगुल से बचने का मौका नहीं देता। ऐसे में अगर इन दोनों सांपों की लड़ाई होती है तो मामला काफी टक्कर का देखने को मिलेगा। दोस्तों किंग कोबरा की लंबाई 18 फीट से लेकर 20 फीट तक हो सकती है। अगर वजन की बात करें तो इसका वजन 6 किलो से भी ज्यादा होता है, और अब तक के सबसे वजनदार किंग कोबरा का वजन 15 किलो मापा गया है। वही ब्लैक मांबा की लंबाई 6 फीट से लेकर 14 फीट होती है और वजन मुश्किल से 2 किलो होता है। ऐसे में साइज की बात करें तो किंग कोबरा ब्लैक मांबा को हरा देगा, लेकिन हर जगह साइज मैटर नहीं करता। ऐसे में अगर दोनों सांपों की स्पीड देखी जाए तो रफ्तार के मामले में किंग कोबरा पीछे रह जाता है, क्योंकि ब्लैक मांबा दुनिया का सबसे तेज और फुर्तीला सांप माना जाता है जो जरूरत पड़ने पर 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी भाग सकता है। वहीं किंग कोबरा की स्पीड लगभग 12 किलोमीटर प्रति घंटे तक ही सीमित होती है। खतरनाक किंग कोबरा आमतौर पर भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया जैसे एशियन देशों में पाए जाते हैं, और भारत में खास तौर पर किंग कोबरा की पूजा भी होती है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैक मांबा अफ्रीकन महाद्वीप में पाया जाने वाला बहुत ही जहरीला और फुर्तीला सांप है। हालांकि कई बार इसे एशियाई देशों में भी देखा गया है। अगर बात इन दोनों ही खतरनाक सांपों के जहर के बारे में करें तो ब्लैक मांबा जहर के मामले में किंग कोबरा से कई गुना आगे है, क्योंकि ब्लैक मांबा के जहर का मात्र 2 बूंद किसी भी इंसान को मौत की नींद सुला सकता है। इतना ही नहीं, अगर ब्लैक मांबा को खतरा महसूस होता है तो ये उसैल सांप अपने दुश्मन को लगातार काटता रहता है, जिससे दुश्मन के बचने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। पूरे अफ्रीकी महाद्वीप में सबसे ज्यादा मौतें ब्लैक मांबा के काटने से ही होती हैं। अगर किंग कोबरा के बारे में बात की जाए तो उसका जहर ब्लैक मांबा के जहर जितना तो खतरनाक नहीं है, लेकिन किंग कोबरा एक बार में इतना जहर उगल देता है कि हाथी जैसे बड़े से बड़े जानवर भी किंग कोबरा के जहर से बच नहीं सकते। आपको बता दे, इतना ज्यादा खतरनाक होने के बावजूद किंग कोबरा काफी शर्मीला स्वभाव का होता है जो इंसानों से दूरी बनाकर रखना ही सही समझता है। कई सारे जंगली इलाकों में चूहों का पीछा करते करते ये सांप इंसानी इलाकों के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जब भी कभी इस सांप को परेशान किया जाता है या फिर इसे खतरा महसूस होता है तभी ये आक्रामक रूप लेता है, वरना तो ये इंसानों से दूर भागने की कोशिश ही करता है। आपको बता दे, किंग कोबरा का 1 मिलीग्राम जहर ही 25 लोगों को मौत की नींद सुलाने के लिए काफी है। इसके अंदर मौजूद न्यूरोटॉक्सिक जहर इंसान की तंत्रिका तंत्र को पूरी तरह से समाप्त कर डालता है। अगर शिकार करने की बात करें तो ब्लैक मांबा को छोटे जीव जंतुओं का शिकार करना पसंद है, वहीं दूसरी तरफ किंग कोबरा दूसरे सांपों का भी शिकार करके खा जाता है। यानी कि एक तरफ जहां ब्लैक मांबा चूहिया, चूहे और खरगोश जैसे जीवों को अपना शिकार बनाता है, लेकिन इसके विपरीत किंग कोबरा दूसरे खतरनाक और जहरीले सांपों को अपने भोजन में शामिल करता है। यही कारण है इसे लंबे और जहरीले फन निकालने वाले सांप को किंग कोबरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों ही जहरीले सांपों की वजह से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है। एक तरफ जहां एशियन देशों के लोगों में किंग कोबरा का खौफ बना रहता है, भारत में सांपों के काटने से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा जिम्मेदार किंग कोबरा ही तो है। किंग कोबरा का जहर इंसान के दिमाग को कुछ ही मिनटों में मार देता है।
बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जो किंग कोबरा के जहर से बच पाते हैं। तभी तो किंग कोबरा की वजह से पूरी दुनिया में हर साल 35,000 लोगों की मौत हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूरे के पूरे अफ्रीका महाद्वीप में ब्लैक मामा का आतंक बना हुआ है। तभी तो अफ्रीका महाद्वीप में 25,000 मौतों की वजह ब्लैक मामा ही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर ये दोनों सांप एक दूसरे के आमने सामने हो तो क्या होगा। मान लेते हैं कि लंबा और जहरीला किंग कोबरा गुस्सैल ब्लैक मामा के सामने आ जाए, तो सबसे पहले किंग कोबरा ब्लैक मामा पर हमला करने के लिए अपने लंबे चौड़े शरीर का एक तिहाई हिस्सा जमीन से ऊपर उठाकर हमला करने के लिए आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको ये तो मालूम ही है कि ब्लैक मामा दुनिया के सबसे फुर्तीले सांपों में से एक है। ऐसे में वो किंग कोबरा के हमले से तेजी से बचने की कोशिश करेगा और एकदम से आक्रामक हो जाएगा। पूरी तरह से गुस्साया ब्लैक मामा किंग कोबरा पर बार बार हमला करने लगेगा, लेकिन किंग कोबरा के शरीर पर कई बार डसने की कोशिश करेगा, पर ऐसा कर पाना ब्लैक मामा के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, क्योंकि किंग कोबरा के ऊपर ब्लैक मामा के जहर का कोई भी असर नहीं पड़ने वाला। वहीं किंग कोबरा ब्लैक मामा के शरीर में अपना जहर छोड़ चुका होगा। अब किंग कोबरा का जहर ब्लैक मामा की तरह बहुत ज्यादा खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन कोबरा अपने जहर से होने वाले असर का इंतजार करने के बजाय अपने लंबे और शक्तिशाली शरीर की मदद से ब्लैक मामा को पूरी तरह से जकड़ना शुरू कर देगा। अपने बड़े शरीर का इस्तेमाल करके किंग कोबरा ब्लैक मामा को तब तक जकड़े रहेगा जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए, और इस तरह इन दोनों खतरनाक जानवरों के बीच की लड़ाई में किंग कोबरा जीत जाएगा। जिसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में बताइए। ऐसे ही शानदार वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल प्रजापति न्यूज का सब्सक्राइब का बटन तो दबा दीजिए। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।